हेलो गाइस, वेलकम टू अमेजिंग मेहंदी चैनल। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मेहंदी की फर्स्ट क्लास देने जा रहे हैं। हमारी क्लास में आपको बेसिक से लेके ब्राइडल तक सारे मेहंदी डिजाइन सिखाए जाएंगे। बस आपको हमारे बताए गए डिजाइन्स की प्रैक्टिस करते जाना है। हम अपनी क्लासेस में आपको आसान से आसान वे में मेहंदी लगाना सिखाएंगे, जिससे आपको कहीं भी मेहंदी सीखने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन फ्रेंड्स, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट डिजाइन आता है वो पॉइंट रखना आता है। आपको पॉइंट रखना बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसलिए पॉइंट की प्रैक्टिस करिएगा। सबसे पहले आपको एक छोटा सा गोला सा बना लेना, बस उसको भर देना है। इस तरीके से आप पॉइंट की प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए, जो हमारा ये डॉट्स कह सकते हैं इन्हें, या पॉइंट्स, तो ये जो डॉट्स होते हैं ये हमारे डिजाइन को यूनिक बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे वो ब्राइडल मेहंदी हो या फिर चाहे वो अरेबिक मेहंदी हो। तो देखिए, आपने देखा होगा जो ये मेरे साइड में डिजाइन बन रहे हैं, इसमें भी मैंने पॉइंट्स से ही इसको सजाया है। तो इसलिए आपको डॉट्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये इक्वल जाने चाहिए, इनमें सबसे मेन यही है कि ये इक्वल जाने चाहिए, इसलिए इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। ये देखिए, इक्वल जा रहे हैं। सेकंड डिजाइन है प्रैक्टिस कर, वो आता है हमारा लाइनिंग खींचना। आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है इस तरीके से। देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है। और स्ट्रेट लाइन से आपका क्या होगा, आपको चार छह खींच लेनी है। देखिए, आपको मैं स्ट्रेट लाइन खींच के दिखा देती हूँ। ये स्ट्रेट लाइन में आपको गैप बराबर रखने हैं। जब आप स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करेंगे घर पे, तो आपको स्ट्रेट लाइन की जो ये गैप्स आ रहे हैं ये बराबर रखने हैं। आपको स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस इसलिए कराई जा रही है क्योंकि जब हमारे चेक बनते हैं, चाहे वो ब्राइडल में बने या फिर नॉर्मल मेहंदी में बने, तो स्ट्रेट लाइन ही जाती है, उसके बाद ही उसमें चेक बनते हैं। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करनी है। जब इसमें आप प्रैक्टिस करें तो इसमें गैप बराबर आने चाहिए। आपका थर्ड डिजाइन है सर्कल बनाना। सर्कल के लिए सबसे पहले आपको एक डॉट रखना है। ये देखिए, आपको एक डॉट रखना है, उसके ऊपर आपको थ्री सर्कल ड्रॉ करने हैं। ये देखिए, वन टू थ्री, इस तरीके से आपको सर्कल की प्रैक्टिस करनी है। ये सर्कल जो बनाए जाते हैं, इन्हीं के ऊपर हमारा जो बाद में मेहंदी डिजाइन बनेगा वो इन्हीं के ऊपर सारा डिजाइन उठ के जाएगा। मान लीजिए आप इसके ऊपर फूल बनाते हैं तो वो इसी के ऊपर बनेगा। आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस लेके चलना है। इसका एक और सर्कल होता है, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। इसका सेकेंड सर्कल आपको एक जगह पेंसिल रखनी है, बस उसे रोल करते जाना है, पेंसिल को नहीं उठाना है, डिजाइन चिपकना नहीं चाहिए। देखिए, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है इसके सेकंड सर्कल की। आपको इन दोनों की ही प्रैक्टिस एक साथ लेके चलना है। आपका जो फोर्थ डिजाइन आता है, इसमें आपको ये भी, आपका जो डिजाइन है ये आगे आपको मेहंदी को उठाने में मदद करता है, इसलिए आपका ये डिजाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको सी नीचे को बनाना है, ए बी सी वाला सी, एक सी बनाना है, उसके ऊपर एक और बनाना है। ये देखिए, वन टू थ्री सी, तीन तीन, इसके ऊपर तीन बनाना है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, वन टू थ्री। आप घर में, अगर आपके पास नहीं है, फाइल नहीं है या
खाली पेज नहीं है, आप कोई भी कॉपी ले सकते हैं, उसमें आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो डिजाइन मैं इसमें बता रही हूँ वो एक अच्छी सी कॉपी में उतार के रख लेना, जिससे आपको बार बार डिजाइन को देखने की जरूरत ना पड़े। बस आप प्रैक्टिस करने के लिए उसे खोल के और आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। इस तरीके से आपको डिजाइन बनाने, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपके सारे बेसिक डिजाइन जा रहे हैं, आपका फिफ्थ डिजाइन आता है। ये डिजाइन आपका ब्राइडल में बहुत काम आता है, ब्राइडल में या फिर आप भर के जब मेहंदी लगाते हैं तो उस मेहंदी में आपका ये डिजाइन बहुत काम आता है। तो आपको क्या करना है, एक हाफ सर्कल बनाना है, हाफ, उसके बाद उसको अंदर को सिक्स टाइप में रोल कर देना है। ये देखिए, ध्यान से देखिए इसे, पहले मैंने हाफ सर्कल बनाया है, उसके बाद सिक्स में इसे ड्रॉ कर दिया है। ये देखिए, आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, आपको बस इसे ऐसे ही बनाते चले जाना है। अगर आपको बोर लग रहा है कि हाँ मैं बना रही हूँ इसे बोर लग रहा है, तो आप एक काम करिए, अपने फेवरेट सॉन्ग चला लीजिए, उसके बाद आप एक डिजाइन को पकड़ लीजिए जो आपको प्रैक्टिस में, जब तक वो बन ना जाए उसको प्रैक्टिस करिए। आप अपना सीरियल देखते समय या सॉन्ग देख सुनते समय या मूवी देखते समय भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कुछ टाइम तो देना ही पड़ेगा मेहंदी सीखनी है, तो आपको इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपका सिक्स डिजाइन आता है और ये डिजाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसकी डिजाइन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देन आपका जो आता है, देखिए आप इसमें आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, ये आपने स्ट्रेट लाइन खींच ली है, और आपको किंगरी की प्रैक्टिस करनी है। किंगरी जो होती है हमारी ब्राइडल की किंग होती है, ब्राइडल मतलब दुल्हन मेहंदी जब लगती है तो इस किंगरी में एक किंगरी, और जब हमारी भर के मेहंदी लगती है तो आपने देखा होगा किंगरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, यही इसी से ही मेहंदी में जान आ जाती है। तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और सफाई से प्रैक्टिस करना है, ये इस तरीके से आनी चाहिए। ये देखिए एकदम इक्वल, आपको इसको मैं गलत और सही भी एक बार बता देती हूँ कि आप कहीं गलत प्रैक्टिस ना कर लें। ये आपकी जो देखिए लंबाई में जाती है किंगरी, जब भी जाती है चाहे ये छोटे में जाए या बड़े में, ये लंबाई में जाती है, तो ये राइट है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये रॉन्ग है, आपको इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको किंगरी की प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है। अब हमारा सेवन्थ डिजाइन आता है जो बेल में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो सेवन्थ डिजाइन है हमारा पेड़ का पत्ता बनाना। देखिए आपको एक साइड से एक लाइन लेनी है, ये देखिए ये भी आपका सी ही टाइप में बन रहा है, ये देखिए बस थोड़ा सा टेढ़ा लेना है, उसके बाद आपको एक पॉइंट दे देना है जहाँ से आप सी को उठाओगे, तो और यहाँ से थोड़ा सा गैप देके एक पॉइंट हल्का सा दे देना, ये देखिए यहाँ पे मैंने दे दिया एक यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, एक इधर से सी बनाना है और एक इधर से, तो आपको एक सी इधर से बना के आगे को चोंच देनी है, बस थोड़ी सी, फिर सी बना के आगे को चोंच देनी है। ये आपका पत्ता तैयार हो गया। ये पत्ता बनाने का एक अच्छा और ईजी मेथड है, आप एक पॉइंट रख लीजिए और एक इधर से सी बना दीजिए और एक इधर से सी बना दीजिए, तो ये देखिए आपको इसी तरीके से पत्ते की प्रैक्टिस करनी है। ये जब भी हमारी बेल उठती है या कोई बहुत ही यूनिक डिजाइन बनता है, फूल बनते हैं, तो फूल के साथ ये पत्ते बहुत काम आते हैं, आपको इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मेहंदी लगाने में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम है, मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। पहले आपको क्या करना है,
आपको जितने भी मैंने ये 7 डिजाइन बताए हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है और थोड़ा सा टाइम देना है। अगर आपको सीरियसली मेहंदी सीखनी है तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। देन आपको इन सबको, आप सोच रहे होंगे हम क्या सीख रहे हैं, तो इन सब का एक डमी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि आपने क्या सीखा है अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेते। तो देखिए, आपको मैं इस एक पत्ता बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक पत्ता है जो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। अब आपको देखो, ये लाइन है, आपने यहाँ पे एक लाइन खींच ली, स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन, देन किंगरी, फिर देन टू स्ट्रेट लाइन, देन किंगरी, देन आपको पॉइंट रखना मैंने सिखाया था, आपको पॉइंट रखना है। इसके बाद पॉइंट एकदम इक्वल आने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, पॉइंट को कवर करने के लिए ये डिजाइन बना देना है। फिर आप स्टार्ट करेंगे, ये देखिए, आपने 1, 2, 3 देन किंगरी, फिर देन 1, 2, 3 देन पॉइंट, ये देखिए, ये आपके जो आपने प्रैक्टिस की है उसका एक डमी तैयार है। ये सभी डिजाइन्स, जैसे ये है, ये भी ब्राइडल, ये जैसे बेल में आ गए या फिर किसी में भी मेहंदी में बना रहे हैं आप, कोई भी मेहंदी में, तो इसी से मेहंदी स्टार्ट होती है बननी। देन आपको मैं ये वाला भी बता देती हूँ एक बार, ये देखिए, 1, 2, 3 देन किंगरी, उसके बाद अब आप इसके ऊपर ही फूल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला फूल ले लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए, इसी तरीके से डिजाइन उठते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करनी है वो इन सब की प्रैक्टिस लेके चलनी है। आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपको अगर आप इससे पहले प्रैक्टिस करिए, अगर आपको कोन चलानी है कि हाँ मेरे को अभी कोन ही पकड़नी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इन डिजाइन्स को अपने अखबार में या कोई रफ कॉपी में आप इन्हें ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आप उसको कीप से कीप इसी के ऊपर फेरिए ताकि आपको कीप पकड़नी और चलानी आ जाए, जिससे आपको मेहंदी लगानी आ जाएगी और मेहंदी की कीप पकड़नी भी आ जाएगी। आपको अखबार ले सकते हैं, आपको 30 मिनट डेली ज़रूर देने। आप अपना फेवरेट सॉन्ग चला लीजिए या फिर आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, टीवी वी देखते समय आप प्रैक्टिस करें, बट प्रैक्टिस करें ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए जब मैं आगे आपको डिजाइन सिखाऊं। बेसिक अच्छे से लेके चलिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।